शाम बहुत रोमांचक होने वाली है क्योंकि हम सभी जानते हैं अमृता खानविलकर आ रही है, पहली बात तो, और दूसरी बात ये कि थर्ड सीज़न है मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का, सीज़न 3 है, एंड हम लोग मिस महाराष्ट्र 2023 एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 को क्राउन करने जा रहे हैं, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ ब्रिलियंट इवनिंग. वी हैव लॉट ऑफ पीपल दोज हैव जॉइंड एज ऑडियंस, वी हैव सेलिब्रिटीज, वी हैव इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव ब्लॉगर्स, वी हैव ब्यूटी क्वीन, सो ऑफकोर्स इट्स अ वेरी स्पेशल नाइट एंड आई विश दैट the best one wins tonight. So मैं जजेस से जानना चाहूँगा कि क्या क्वालिटीज लेकर जो आज जो विनर्स होंगे यहाँ पर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? You have to see the camera. Sure. Come in the middle. You know, जब ब्यूटी पैजेंट्स में क्या होता है, लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ये ब्यूटी ही पैरामीटर है, लेकिन आई थिंक वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक दैट मोल्ड कि ब्यूटी इज सो मेनी थिंग्स. ब्यूटी इज टैलेंट, कला, पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज, ब्रिलियंस. तो आज मुझे लगता है कि क्योंकि ये सारी जो औरतें हैं, द यंग गर्ल्स एंड द वुमेन हु आर पार्टिसिपेटिंग आर सो मल्टी फैसेटेड कि आर पैरामीटर्स वुड बी मोर देन जस्ट फिजिकल ब्यूटी. इट विल बी टैलेंट, इट विल बी विट, it will be confidence, it will be just the way they present themselves, and we are very confident that we are going to crown the best. Also hamare sath winner bhi hai last year ki, so aap log kya kehna chahenge, kya wish karna chahenge jo aaj karna compete kar rahe hain aap? Jab maine meri journey shuruaat ki thi last year, tab meri beti 2 mahine ki thi, और मैंने जब फर्स्ट टाइम अमीशा मैम को कॉल किया कि मैम मुझे रजिस्टर करना है, तो उन्होंने जिस तरीके से मुझे मोटिवेट किया था कि डोंट वरी, आप सब मैनेज कर पाओगे, आप बैलेंस कर पाओगे, जस्ट टेक अ स्टेप अहेड एंड स्टार्ट योर जर्नी. तो आज जब मैं जज कर रही हूँ, मैं सेम क्वालिटीज़ विनर में देखूँगी कि वो अपने आगे ये लेगेसी कैसे कंटिन्यू करेगी डाइटम की, बिकॉज ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर टुडे, दिस इज़ गोइंग टू बी for lifetime, because you are going to represent Didam everywhere. So मैं definitely एक ऐसी quality ढूंढूंगी कि आप सब में stand out हो सको, और जो बाकी सारी औरतें हैं वहाँ पर हमारी society में, उन्हें वो inspire कर सकें, motivate कर सकें. So we are really looking forward to meet all the contestants today. सुनीता मैम, क्या कहना चाहेंगे आप आज के जो कॉम्पीट कर रहे हैं, जो कंटेस्टेंट्स हैं, 27 कंटेस्टेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं मैम से पूरी तरह से वाकिफ हूँ कि ब्यूटी नहीं होता सिर्फ, टैलेंट भी होता है. और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने भी अगर आगे बढ़ के कुछ किया है तो मैम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और वो उन लोगों को भी सपोर्ट करेंगी, और कोई बहुत अच्छी जीतेगी आज, कोई बेस्ट ही विनर बनेगी. मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल, टॉकिंग अबाउट डायडम, वेदर इट इज़ डायडम मिसेस इंडिया लेगेसी और इट इज मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र, आई थिंक दिस द फर्म इटसेल्फ इज सो फेयर एंड स्क्वेयर टू एवरीथिंग, एंड डेफिनेटली द बेस्ट इज गोइंग टू विन. वेदर इट इज जस्ट गर्ल्स हु आर वांटिंग कॉन्फिडेंस, और इट इज इवन लेडीज लाइक मी हु आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड but looking forward for more confidence and wanting to you know, kind of make a mark in society, and I'm sure this is the platform. Ma'am, as a brand consultant, what do you wish for this 27 contestants? So I wish them the best, honestly, aur sab logon ne bahut bole, but I just add a little from my end that बहुत सारी औरतें होती हैं, उनके बहुत सपने होते हैं, लॉट ऑफ विमेन अक्रॉस इंडिया सो एस्पिरेशनल एम्बिशियस, यू नो, बट कहीं ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाता. वी आर रिप्रेजेंटिंग बोथ मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र टुडे. मिसेस की बात करूँ तो जब शादी होती है तो कई सारे सपने होते हैं, सब छोटे यू नो पूरे नहीं हो पाते. आई एम सो ग्लैड आई एम एसोसिएटेड विद डायडम एज अ ब्रांड कंसल्टेंट, बिकॉज आई एम अदर माई सेल्फ, आई एम अ वुमन, आई हैव सो मेनी ड्रीम्स, एंड आई एम हेल्पिंग अ प्लेटफॉर्म दैट्स गिविंग अदर विमेन अ चांस टू गिव देयर ड्रीम्स अगेन, अ चांस टू यू नो सोचा होगा. सो मेनी वुमेन आर कमिंग ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम, दे आर कमिंग फ्रॉम यू नो स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स बीन लाइक अ फर्स्ट नेशनल कैंपेन पैजेंट फॉर देम. सो फॉर अ ब्रांड, यू नो, वी गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद दीज एस्पिरेशनल वुमेन, लर्न मोर अबाउट देम एंड गिव देम द यू नो कॉन्फिडेंस. मतलब कई बार होता है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है लाइफ में, लाइक आप माँ बनते हैं, शादी होती है, बेटी होती है, बट कॉन्फिडेंस, ग्रूमिंग, जो
जो आपकी पर्सनैलिटी निखारता है वो आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म देते हैं. सो आई एम सो ग्लैड दैट डायडम इज हियर, अनुषा इज हियर, एंड वी हैव सो मेनी गुड निर्मिका इज हियर सपोर्टिंग अस टुडे, एंड दीस थिंग्स आर हियर टुडे. सो आई एम सो ग्लैड एंड दैट्स व्हाट वी प्रॉमिस. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू द कंटेस्टेंट्स. मोर देन जस्ट विनिंग अ टाइटल, इट्स अ प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ कम्युनिटी एक्चुअली. सो डायडम कभी छोड़ता नहीं है. अभी वो सारे ही लोग एसोसिएट इतने सालों से, दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू कम टुगेदर, दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू बी ऑन पैनल्स, ऑन प्लेटफॉर्म्स. So it's like more than, you know, one patch, it's an opportunity for a lifetime. अनुषा मैडम, मेरा सवाल आपसे है, क्या क्राइटेरिया जो महाराष्ट्र में रहते हैं कोई लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि इंडिया भर से कोई भी कर सकता है इसके लिए? हम लोग ऐसा, सबसे पहली बात तो कोई रूल ऐसा नहीं बनाते हैं कि जो वुमेन है उनको प्लेटफॉर्म में अपॉर्चुनिटी अचीव करने में या क्रिएट, हम जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो हम जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखना चाहते कि आप अगर सिर्फ महाराष्ट्रियन हैं तभी पार्टिसिपेट कर सकते. वी आर ओपन टू एवरीवन, दोज आर रिजाइडिंग इन द स्टेट, दैट्स वाई वी कॉल इट मेसेज इज महाराष्ट्र. सो वेदर यू आर अ नॉर्थ इंडियन और यू आर अ साउथ इंडियन, यू कैन डेफिनेटली एनरोल इन द पेजेंट, यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इफ यू आर लिविंग समवेयर इन द महाराष्ट्र. इट्स वेरी सिंपल. सो दैट्स वाई वी कॉल इट मिस एंड मिसेज महाराष्ट्र. एंड आई थिंक बहुत सारे ऐसी पर्सनैलिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे स्टेट से होके भी महाराष्ट्र में बहुत ही सक्सेसफुल है, आई गेस. सो व्हाई नॉट टू गिव द चांस टू एवरीवन दोज वर लिविंग हियर. सो यस, इट्स वेरी सिंपल, इफ यू आर हियर डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट इन द पेजेंट. एक वक्त था शादी के बाद ऐसे लगता था कि महिला का जो फ्यूचर है वो समाप्त हो गया, लेकिन अब दौर बदल चुका है. जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी उनको भी काम नहीं मिलता था. ये जो परिवर्तन आप देखते हैं कि महिलाएं शादी के बाद भी उसी तरह से काम कर सकती हैं जैसे पहले करती थी, इस परिवर्तन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा इससे, आपकी जो आप बात आपने रखी है सामने, मैं आपके सामने मैंने बहुत सारे आई थिंक एग्जाम्पल्स खड़े कर रखे हैं. आई गेस वी आर ओनली टू हियर दोज आर अनमैरिड, रेस्ट द एंटायर इन फ्रंट ऑफ यू एंटायर गेस्ट, एवरीबडी हियर इज मैरिड ओनली, एंड मोस्ट ऑफ अस आर होम मेकर्स एज वेल, एंड यू नो वी आर इन डिफरेंट प्रोफेशंस एज वेल. सो डेफिनेटली थिंग्स आर चेंजिंग, एवरीबडी इज चेंजिंग देयर माइंड सेट, सपोर्टिंग ईच अदर. फैमिलीज सपोर्ट कर रही है तभी, अगर फैमिलीज का सपोर्ट नहीं होता है, वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हमारे घर में नहीं होगा तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे. तो श्रेय फैमिली को भी जाता है इक्वली, जितनी मेहनत हम लोग करते हैं, जितनी जो हमारे विजन है, जो हमारा मिशन है, जिस उसे पाने के लिए, उसे अचीव करने के लिए जितना हार्डवर्क और जितनी वो फायर हम में है, उतना ही इक्वली हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही है. दैट्स वाई द इवेंट इज़ गोइंग सक्सेसफुल ईच ईयर, ईच सीजन. एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी टू बी सराउंडेड बाई यू नो पॉजिटिव फैमिलीज. एंड आई विश दैट जितनी भी मैं लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, इंडियन वुमेन हैं, जितना मुझसे हो सकेगा आई विल यू नो एम्पावर वुमेन थ्रू माई प्लेटफॉर्म. मिस और मिसेस जब प्लेटफॉर्म पे वॉक करती हैं, रैंप पर वॉक करती हैं, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करती हैं? और जूरी को आपने कुछ गाइडलाइन दी है कि मिस है तो उसको इस बात का ध्यान रखना है, मिसेज है तो थोड़ा सा छोड़ दिया जाए, आधा दी जाए? तो कुछ सर यही बात मुझे नहीं बतानी पड़ती, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चलता है कि मिस कौन है, मिसेज कौन है. मुझे तो मालूम होता है क्योंकि आई एम दी ऑर्गेनाइजर, आई नो कि कौन मैरिड है, अनमैरिड है ऑन द बुक्स, ऑन द पेपर्स. बट आप ही बता दीजिए इनमें से मिसेस कौन लगते हैं, मिस कौन लगते हैं. तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर आर ज्यूरी मेंबर्स टू ऑलवेज फिगर आउट दैट वेदर द कंटेस्टेंट, द कैंडिडेट इज मैरिड कैटेगरी और अनमैरिड कैटेगरी. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ इज कंचन गुप्ता स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी. शी हैज़ टू सन्स एंड शी इज इन टू हर 40s. And she is Mrs. Elite Universe, first Indian woman to win the title in Philippines, 2 months back. So again, we have Shraddha More and Mrs. Maharashtra, we have Enid. So, अब कोई, मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है मैरिड और अनमैरिड में, सभी इक्वल हैं. और मैं तो ये कहूँगी कि मैरिड लेडीज़ में ज़्यादा फायर है, क्यों वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें विजन उनका इतना स्ट्रांग है कि एवरीबडी यू नो ट्राई टू यू नो एम्पावर, create opportunity, and I am, I think, successfully conducting it because we have been doing Didam Group of Pageants established in 2018. It's been 6 years now, and both of our pageants, be it in Mumbai or Delhi, Mrs. India Legacy or Miss and Mrs. Maharashtra, we have been continuously producing a lot of talent, whether it's married or unmarried, despite of that category, and would like to do it in future always, every year. क्योंकि अमीषा चौधरी जिस तरह इवेंट ऑर्गेनाइज करती है मुझे बड़ा मज़ा आता है.
ये परफेक्शनिस्ट है और मैं सबके सामने कहना चाहूँगी दैट इट गिव्स मी अ ह्यूज ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रेस्टीजियस डायडेम मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र एवरी टाइम बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट दीज गर्ल्स एंड लेडीज गेट. क्योंकि महाराष्ट्र से वो नेशनल लेवल तक जाते हैं और नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक. और हर लड़की का यही सपना होता है. पहले सपना होता था कि हम सिर्फ क्राउन पहने, अब ये सपना होता है कि हमें अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना है, फिर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है. एंड दैट इज द फैबुलस अपॉर्चुनिटी दैट दे गेट ओनली फ्रॉम डायडेम. मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2K23. वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. तो आप सब आइए और देखते हैं हमारी न्यू क्वींस कौन बनने जा रही है अब कुछ ही देर में. थैंक यू ग्लोबल नमस्ते. अमृता जी, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे डायडेम का जो यहाँ पे पैजेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, कितनी एक्साइटमेंट है क्योंकि मिस एंड मिसेस दोनों को यहाँ पर जो है फेलिसिटेट किया जाना है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आई वांट टू रियली कंग्रेचुलेट अमीषा चौधरी जी बिकॉज आई थिंक इट इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र एंड आई थिंक यू नो सच पैजेंट्स आर एन एपिटोम ऑफ ब्यूटी एंड ग्रेस एंड आई थिंक दे ऑल्सो प्रमोट एंड मोटिवेट ईच एंड एवरी वुमन who kind of participates and also kind of motivates, you know, women from Maharashtra, especially because we are talking about Miss and Mrs. Maharashtra here. And also Anisha ji is so much into social work and she has been doing so much work around the menstrual cycle and the menstrual hygiene of women. And I think that is such a great initiative by you and really, really want to congratulate you because the more the merrier, I think, you know, no matter how much as women we want to educate our, you know, our little girls and women and men across India, nationally and internationally, I think, jitne log is bahut hi noble cause mein ek saath jud jate hain. I think, like I said, the more the merrier ki jitna education aap de sakte ho logo ko menstrual hygiene ke bare mein, I think it's amazing and you're doing amazing in that. And Miss and Mrs. Maharashtra ka third edition hai and I'm very, very glad to be here to crown द क्वींस एंड यहाँ से जो है उनकी जर्नी नेशनल और इंटरनेशनली भी होती है. दैट इज़ वॉट आई नो अबाउट दिस पैजेंट एंड या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग सम रियली इंस्पिरेशनल एंड ब्यूटिफुल वीमेन. सो अमीषा जी, जो है अमृता से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र की महिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? शी इज़ हियर एंड कितना प्राउड फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है बिकॉज वी you know come from Delhi as you all know and organize this beauty pageant in Mumbai. So we are organizing Didam group of pageants since 2018 now. Oh wow, it's been 6 years and we started the state level pageant journey in back you know in the third edition 3 years back. So we always you know figure out, we always discuss our associates and partners and the contestants. So your name was on the top. Oh, thank you. We researched a lot because you know no doubt you have done a wonderful and fabulous work in acting and we are a big and huge fan of yours. Thank you. But when it comes to you know organizing an event in Mumbai, we definitely research and you know talk about the celebrity list and VIP guest list and your Amrita Khandelwal's name was absolutely on the first number and it is an honor to have you with us today. Right. And we are really looking forward for a great evening ahead with her. अमृता, इसके अलावा आज जो जिसको आप क्राउन पहनाने वाली है उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ देखती हैं आप? मुझे से लगता है एक तो एज अ वुमेन यू नो आपको जो है वो एक कहते हैं ना एक यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड आई थिंक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स फ्रॉम गॉड इज़ वेल बिकॉज आई रियली फील दैट यू नो वैन एनी लेडी एनी वुमन काइंड ऑफ अपने मन में ठान लेती कि यार मुझे ये करना ही है तो वो करके छोड़ती है. एंड फॉर मी आई थिंक बीइंग अ वुमन या फिर जिन महिलाओं को आज मैं क्राउन करने वाली हूँ उनमें एक क्वालिटी होनी चाहिए इज़ अडेप्टबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी एंड द जिस्ट एंड द जिस्ट टू इंस्पायर पीपल. आई थिंक एज अ वुमन इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोसाइटी टू इंस्पायर पीपल बी इट मैन एंड वुमेन चिल्ड्रेन एंड यू नो हमारे अंदर जो एक
नेचुरल नर्चरिंग क्वालिटी होती है, आई थिंक उसको जो है अगर वी कैन काइंड ऑफ जस्ट यू नो एक्सपैंड इट, आई थिंक देन द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अ बेटर प्लेस फॉर अस टू लिव। लास्टली अगर उन महिलाओं को आपकी तरफ से कोई मैसेज देना हो तो? अरे बाप रे, मैंने जिंदगी में कभी कोई पैजेंट में भाग नहीं लिया है, लेकिन आई थिंक वन मैसेज आई रियली वॉन्ट टू गिव वुमेन यू नो टेकिंग पार्ट इन दिस पैजेंट इज, नो मैटर हु द क्वीन इज, जो आज क्राउन होने वाली है, एवरी वुमन इज अ क्वीन इन हर ओन सेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। We did not expect anything, we were just giving our best and yeah, that's it. I was having the goosebumps when I hear my name there. I was not expecting at all. At the backstage I was just crying. I was like, my crown is gone from my life. Like, I was really so crying there. But this was really a great journey. I really want to thank Samisha ma'am for establishing such a beautiful platform where we girls get the chance to showcase our talent, showcase our skill, and to showcase the world where we want to shape the world as we want it to. Thank you. बहुत मज़ा आया बैक स्टेज में जब हम लोग खड़े थे, हम तीनों ने मैनिफेस्ट किया था सारे क्राउन्स को देख के कि हमें मिलेगा एक्चुअली, एंड जब नाम अनाउंस हुआ तब बहुत बहुत खुश हुए बहुत ज़्यादा। आई वॉन्ट टू गो फॉर मिस इंडिया बिकॉज़ ऑफ डायडम ओनली। I would love to see that. And also Lakme Fashion Week, this is my, that was my dream, so I think I will get the chance now, so I'm so excited for that. Yeah, for sure. I love acting. Anything, might be anything. It might be anything, we'll do anything. Maybe something more inspirational that it impacts the करना चाहती हूँ, अपना मोर करियर मॉडलिंग में एंड पैजेंट्री में बनाना चाहती हूँ, उसके बाद आई विल गो इनटू एक्टिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, फिल्म के बारे में और ये विक्ट्री के बारे में? फर्स्टली प्लीज विक्ट्री, आई एम स्टिल थिंकिंग एंड सोकिंग दिस मोमेंट, आई एम एब्सोल्युटली ओवरवेल्ड, I have tears in my eyes. I'm so overwhelmed. My entire family is here, and I had been waiting and waiting for this moment. I'm finally living it. I'm finally living that moment. Amazing feeling, yeah. Amazing feeling, yeah. एक housewife आज यहाँ पहुँच गई, इतने सारे cameras के सामने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो ये शुरुआत है, काफी दूर तक जाएगा। I'm just feeling amazing on top of the world. This was something which I dreamt of last year that didn't come true, but then this year it has come true. Thanks to my family, God, and I'm just like Shalika just mentioned, just thinking it, just trying to digest it and living the moment. Thank you so much. And after this, what is next? Anything you thought about? I think this is the first milestone for us, and we yet to achieve, yet to conquer the whole world, universe. I think the representation that Didim has given to us, to these spaces, I'm sure this journey is going to go a very long way, and is going to mold us, carve our journeys, and make us a very, very niche area for discovering our own potentials. What I would want to mention is, this was something which was just a dream for us, something which we had not even realized how passionate we are about this. But now after winning the crown, it feels like this is something which we want to pursue ahead, and now we dream a lot and then make those dreams also come true. बस अभी फिलहाल कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, ये कैमरास लेके बहुत सारा कॉन्शियसनेस आ रहा है, अभी ये चीज़ों की आदत करने की कोशिश कर रहा है। Thank you for giving us. And I really want to say, not to forget
a big, big, big thank you to Amisha ma'am and the whole team, One, completely seamless experience, and two, this opportunity and experience which you've got is out of the world. Thank you so much. Thank you, a big thank you to Diamond, the entire organizing team. There were lots and lots of people who were behind the stage, behind the curtains, who were unseen, who are not here in front of cameras, but a lot of hard work, passion and enthusiasm that Amisha ma'am has given to the entire team makes us a family, and we're so glad, Amisha ma'am, that now we are also part of her family. Looking forward to a very strong association with Didem and taking Didem to a larger platform to represent who we are as women, to make our independent choices and unleash our own potential. Thank you. For Mrs. Universe, Mrs. Fashion, Mrs. Universe. So